हाय दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगी आपको मेरे खेत की सब्जियां जो लगी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे खेतों की सब्जियां। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हैं नेनुआ। फिर इसमें काफ़ी घास हो गए हैं, इसको घास निकालना है। इतनी ढेर सारा सब्जियां लगी हैं कि घास निकालना मुश्किल हो रहा है, फिर भी सब लोग मिलके निकाल रहे हैं। देखिए, ये है कोहड़ा, जिसको अंग्रेजी में पंपकिन बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक फरा हुआ है छोटा सा, दिख रहा है आपको? ये देखिए छोटा सा है। और बाकी आज जो इसमें था वो आज मंडी गया है टूट के। तो फ्रेंड्स, मंडी भी सब्जी मेरे यहाँ जाती हैं सब्जियाँ। भिंडी जाता है और ये नेनुआ जो लगा था वो जाता है, और ये लगा है तो फ्रेंड्स मिर्ची का पेड़। ये यहाँ से वहाँ तक मिर्चा ही है। इसमें भी सब घास है, निकालना है। देखिए निकाल भी रहे हैं और निकल रहा है धीरे धीरे। और इसमें ये लगा हुआ है कम से कम दो बिस्सा भुट्टा, 10 दिन में ये हो जाएंगे खाने लायक। ये देखिए कौन सा दिखा, देखिए इसको चर गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाल था लेकिन नील गाय या फिर कोई और जानवर इसे चर गया है। ये देखिए अभी इसमें जीरा निकल रहा है, 10 दिन में ये खाने लायक हो जाएगा। देखिए सभी पेड़ में निकल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सब मिर्चा लगा हुआ है। अब इसमें टाइम लगेगा, फिर जब मिर्चा निकलने लगेगा तो ये भी मंडी के लिए ये भी जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत होता है इन सब में। इसको लगाओ, फिर इसका घास निकालो, मेड़ी बनाओ, पानी डालो, खाद डालो, तब जाके वेट 2-3 महीने में इतना मेहनत करने के बाद फिर मिर्चा निकलता है। फिर वो भी रेट अच्छा हुआ तो अच्छा दाम, रेट डाउन तो वही पानी का दाम ही सिर्फ निकलता है तब। फ्रेंड्स, वो देखिए वो जो ये क्लाइंबर पे है, ये भी नेनुआ ही है। ये बरसात के सीज़न में ऐसा बना दिया गया है क्योंकि जैसे ये नीचे है तो इसमें बहुत मुश्किल होता है तोड़ना ज़मीन पर घास वगैरह में, और इसलिए इस अब की बार वैसा कर दिया गया है ताकि तोड़ने में आसानी हो, पानी लगने से ख़राब ना हो। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी मेहनत होती है गांव वालों को। फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको मेरा खेत देख के अच्छा लगा हो। अभी तो मैंने पूरा दिखाया नहीं है, ये नज़दीक का जो खेत है जहाँ मैं जाती हूँ वही मैंने दिखाया आपको। और इसके आगे भी जो भुट्टा है उसके आगे है परवल लगा हुआ, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।